सुशांत साहब और भामा साहब बद्री राम जंकड़ सिकरी हमारे बीच में आने वाले हैं, भोपाल में पधार चुके हैं। और आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है प्रशासन के सहयोग से महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के द्वारा कि जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो एक ऐसी महामारी थी जिसमें पूरा देश अंत की एक घबराहट महसूस कर रहा था कि ये ऐसी बीमारी है पता नहीं क्या होगा, उस दरमियान लोग घरों से बाहर निकले और लोगों ने जरूरतमंद लोगों की सेवा की। और विशेषकर तो हमारे जो चिकित्सा से जुड़े हुए डॉक्टर और अन्य जो कर्मी हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, आप देखते हैं कि जो किट पहनते हैं उसमें इतनी गर्मी लगती है मगर उसके दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालते हुए चिकित्सकों ने जो कार्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको कहा कि डॉक्टर होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है, उन्होंने बखूबी इस तरह की भूमिका निभाई कि पूरा प्रदेश दुनिया ने डॉक्टरों की प्रशंसा की है। इसके साथ साथ लॉकडाउन में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मियों की भी इस बार जो पूरे प्रदेश में पूरे देश में बहुत अच्छी सराहना हुई है, फिर भी उन्होंने आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार किया कि जैसे कि पुलिस की एक नई भूमिका और एक नई छवि देखने को मिली, आम जनता ने उनकी सराहना की है। और इसके साथ साथ जो सामाजिक लोग थे गांव में, सामाजिक कार्यकर्ता थे, चाहे महिलाएं चाहे बच्चे भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपने संग्रह किए हुए रुपए लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री कैसे पहुंचे। आप घाटा न पैदा हो हिसाब कीजिए कि 2020 में नफा हुआ घाटा हुआ, जीवन कैसे बच जाए ये बड़ी बात है, जीवन बचाने की बड़ी बात है, हम जी जाए 2020 में ये बड़ी बात है। उससे बड़े जिन्होंने इतना बड़ा कारोबार दुनिया में किया, जीवन बचाने के लिए लोगों का जीवन बचाने के लिए लग जाइए, ये कोई नफे नुकसान का वश नहीं है। इसके साथ ही भोपालगढ़ क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं, किसी भी जरूरतमंद आदमी को भूखा नहीं सोने दिया, चाहे कहीं से भी कैसे भी सामाजिक से हो, भामाशाह के माध्यम से हर गांव में सैनिटाइजेशन का काम हो, युवा साथी हमारे घरों से जी जो महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति उनको जिम्मेदारी दी गई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सह संयोजक भाई युवा हमारे सकील अहमद चिश्ती और संपूर्ण प्रशासन और युवा क्लब के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, और यहाँ लोगों के लिए एक ऐसा स्थान हो जहाँ युवा अपनी रचनात्मक सामाजिक गतिविधियाँ और एक सेंटर बना सके। तो हमने ये प्रयास किया और राजीव गांधी युवा क्लब के माध्यम से चाहे जितने भी रचनात्मक कार्यक्रम हो सरकारी योजनाओं का, जब ये पेंशन योजना पिछली सरकार में तो 2011-12 में 12-13 में शुरू की गई थी, तो यहाँ शिविर लगाकर विकलांगों के प्रमाण पत्र हो चाहे पेंशन के हो, इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए बच्चियों को सिलाई के साथ साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का काम हो, और हम लगातार वो करते रहे, जिसको लेकर इस राजीव गांधी युवा क्लब को भारत सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय सम्माननीय युवाओं को मुझे और व्यक्तिगत इनसे जब सुनने को मिलता है और मुझे हमेशा आशीर्वाद देने के लिए आदत है, छोटा सा मैसेज से रामदास जी शास्त्री जी, क्योंकि धर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है, हमारे जो संत होते हैं वो हमारे युवाओं को समाज को मार्गदर्शन में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो हमेशा व्यक्तिगत मुझे जब भी मैं इनके क्लब के कार्यक्रम में चाहे महात्मा गांधी जी की मूर्ति अनावरण हो, सत्य अहिंसा मार्ग हो, सुबह राव जी आते हैं, तो और इस सबसे बड़ी बात हो जब शिलानिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित आमंत्रित करूंगा श्रीमान कालूराम जी मेहरा, आप पधारे, एमपी साहब को माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे।
स्वागत की इसी कड़ी में माला के लिए मैं निवेदन करूंगा सुरेश जी परियार युवा क्लब के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप पधारे और उनका माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर सुरजीत सिंह जी परवा साहब, डॉक्टर सुरजीत जी परवा, मैं निवेदन करूंगा। मैं आगे आगे बोलना चाहूंगा, आप लोगों को पीछे रिपीट करना है और अपना राइट हैंड आगे करें। मैं सुखाराम बिंडेल के आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के नशा मुक्त भारत अभियान के पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से नशा मुक्त राजस्थान अभियान में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन या उपयोग नहीं करता हूँ। साथ ही भविष्य में भी इस प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन या उपयोग नहीं करूँगा मैं इस सत्य एवं तथ्य से अवगत हूँ कि नशीले पदार्थों की आदत के कारण वर्तमान में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति पीड़ित हो रहे हैं इनकी आदत आचरण एवं व्यवहार समाज का वातावरण विकृत एवं दूषित हो रहा है इसलिए मैं प्रण करता हूँ कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ मिलकर एकजुट होकर नशे एवं नशीले पदार्थों के खिलाफ आम व्यक्तियों को जागरूक करूँगा मैं नशा विरोधी अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा मैं संकल्प लेता हूं कि नशे की सभी प्रकार की नशीली सामग्रियों का बहिष्कार करते हुए इनके उपयोग को नकारते हुए नशे की लत आदत को समाप्त करने का आह्वान करूंगा इस अभियान में सक्रिय सशक्त भूमिका से एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान एवं सहयोग प्रदान करूंगा जय हिंद। आज देश विदेश के अंदर इनकी सोशल मीडिया की जागरूकता आज बहुत ही बाबा निवेदन और आए तालियों की गड़गड़ा से इस बेटी का सम्मान करें। ये हमारी गोपालगढ़ उपयोग क्षेत्र की बेटी और बहू है जिसके माध्यम से इन्होंने एक जागरूकता संदेश प्रसारित किया है। आपको बधाई शुभकामनाएं। इसी कड़ी में सेटू गोदारा महिला एवं बाल विकास की अगली कड़ी में निवेदन करना चाहूंगा संतोष मंगलाराम जी, आपने भी सर्व कार्य में राजीव गांधी जी का छिंदवाड़ा जन्मदिन है और सबसे पहला मैं आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने गांधी जी के इंदिरा गांधी के नाम के आज रसोई
योजना चला रहे हैं, वो 8 रुपया में, सिर्फ 8 रुपया में भर पेट खड़ा खाएंगे। ये मैं गरीबों के लिए, मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी का सोच, गांधी जी का सोच, आज का जमाना का गांधी। आपसे भी निवेदन, इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित श्रीमान ज्ञानपाल जी।